नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास कोच क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि ट्रेन में अलग अलग तरह के कोचेस होते हैं, जैसे एसी टू टीयर कोच, एसी थ्री टीयर कोच, एसी थ्री टीयर इकोनॉमी कोच, इसी तरह ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास कोच भी एक तरह का कोच होता है। साथियों, अगर हम बात करें एसी फर्स्ट क्लास कोच की, तो ये कोच बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। साथियों, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स होती हैं या बर्थ होती हैं इसमें। अगर हम बात करें किराए की, तो किराया भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इसमें सेटिंग अरेंजमेंट की, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, इसमें दो तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सीट्स या बर्थ बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और कंफर्टेबल होती हैं। साथियों, इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ये दो तरह का होता है। और साथियों, इसमें जो केबिन्स होते हैं वो क्लोज्ड केबिन्स होते हैं, इनको आप अंदर से बंद भी कर सकते हैं। इसमें डोर्स भी दिए होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट अरेंजमेंट दिया हुआ है, मतलब इसमें दो तरह के केबिन्स होते हैं, मतलब दो तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो जिसमें दो बर्थ्स होती हैं उन्हें कूप कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कूप होता है, मतलब दो बर्थ वाले अरेंजमेंट को कूप कहा जाता है, जबकि चार बर्थ वाले अरेंजमेंट को केबिन कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर केबिन की एक इमेज दी हुई है। साथियों, इसमें जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो बहुत ही अच्छी मिलती हैं, और जो फूड होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेन में ये एसी फर्स्ट क्लास कोच होता है। साथियों, ये जो एसी फर्स्ट क्लास कोचेस होते हैं, इनको H1, H2, H3 और इस सीरीज़ में आगे तक इस तरह से डिनोट किया जाता है। मतलब ये जो सिंबल्स हैं इनसे आप पहचान सकते हैं कि ट्रेन में ये एसी फर्स्ट क्लास कोचेस हैं। तो साथियों, इस वीडियो में जाना ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास कोच क्या होता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।